हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस को चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए। मैं बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट्स और उनके अपडेट्स के बारे में वीडियो बना के रखा हूँ। अगर आपने इसको नहीं चेक किया तो प्लीज़ चेक कीजिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो कल हमारा मार्केट खुलने वाला है, दो दिन वीकेंड के बाद, फ्राइडे सैटरडे के बाद कल मार्केट खुलने वाला है। सो कल देखना पड़ेगा कि मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, परसों जब फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज हुई थी तो आपको 64 पॉइंट्स की तेज़ी देखकर मार्केट 0.30% की तेज़ी के साथ क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा था। सो कल देखना पड़ेगा कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। उसी के साथ अगर आप देखें, कल ये हफ्ता पूरा मार्केट चल रहा है कि कुछ छुट्टी है तो चेक कर सकते हैं हम यहाँ पर। सो आप यार देख सकते हैं, आपको फरवरी में कोई भी छुट्टी देखने को नहीं मिल रही है। सो नेक्स्ट छुट्टी आपको डायरेक्ट मार्च की 8 तारीख को ही देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि बाज़ार हमारा ये पूरा हफ्ता चलने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 तारीख से लेकर आपको 16 तारीख तक जाने वाला है फरवरी का। सो ये पूरा हफ्ता पाँचों दिन मार्केट हमारा चलने वाला है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स भी देख सकते हैं, कल डाउ जोन्स भी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। तो जब इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन था तब इसमें -54 पॉइंट से गिरावट देकर 0.14% से गिरकर बाजार क्लोज हुआ था। सो देखना पड़ेगा, लेकिन इनिशियल आप देख सकते हैं अच्छे खासा गिरावट थी। यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 153 पॉइंट की गिरावट थी, बाद में थोड़ी हल्के से रिकवरी आकर आपको -54 पॉइंट से गिरकर बाजार क्लोज होता हुआ देखने को मिल गया था। तो कल देखना पड़ेगा कि मार्केट का परफॉर्मेंस कल कैसा रहेगा। उसी के साथ क्रूड ऑयल आप देख सकते हैं, क्रूड ऑयल लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी तो 80 के पार जाकर क्लोजिंग देखता हुआ देखने को मिल रहा है, अराउंड $82.19 प्रति बैरल आपको देखने को मिल रहा है। सो ये जितना ऊपर जाएगा हमारे देश के लिए बहुत ही बुरी खबर होगी, क्योंकि हम लोग मोर देन 80% क्रूड को इंपोर्ट करते हैं। सो ये जितना कम होगा उतना हमारे देश के लिए अच्छा है। उसके बाद हम देखेंगे तो FIDIS का डेटा। सो आप देख सकते हैं, सो DIS ने तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 422 करोड़ का माल सेल किया था, लेकिन FIS ने अराउंड 141 करोड़ का बाइंग करता हुआ देखने को मिल रहा था। सो ये वाइस वर्स हमेशा चलता रहता है, जब DIS सेल करेंगे हमारा FIS बाय करेंगे, जब FIS सेल करेंगे तो DIS बाय करते हुए देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे बॉन्ड यील्ड, सो हम US का जो 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड है आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट अभी 4.177% का रिटर्न देता हुआ देखने को मिल रहा है। सो ये जब तक हाई रहेगा सो फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादातर यहीं पर इनका ज़्यादा फाइन इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इनको रिस्क फ्री अब इन्वेस्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। सो जैसे रेट कट होना शुरू हो जाएगा सो बॉन्ड रेट में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी, तो शायद उसके बाद हमारे देश में FIS का इनफ्लो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सो जब रेट हाई होगा तब ये इसको हमेशा आपको हाई देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप हमको कल जो इंडेक्सेस है सेक्टोरियल इंडेक्सेस, इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी कि कल कौन सा इंडेक्स आपको अच्छा करता हुआ देखने को मिल सकता है। सो अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने 1.38% की आपको तेज़ी दिखाई थी। उसके बाद आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंक में भी, मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर है उनका जो 3 कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर, सो इन तीनों ने मिलकर अच्छा खासा आपको मतलब निफ्टी को थोड़ा ऊपर रखा था। सो बाकी के सभी सेक्टर जो IT हो वो भी गिरावट था, मेटल में, मीडिया में, सभी आपको गिरावट ही देखने को मिल रहे थे। सो ये 3 सेक्टर ने अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट को दिया था, तो अब क्लोजिंग आपको ग्रीन पर होता हुआ देखने को मिल रहा था। उसके बाद Q3 रिजल्ट्स, सो ये हफ्ते भी आपको बहुत ही ज़्यादा कंपनी के Q3 रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सो मोर देन, अगर आप देखेंगे मोर देन 1000 कंपनीज के कुछ आपको रिजल्ट्स ये हफ्ते में देखने को मिल जाएंगे, और ये हफ्ता लास्ट हफ्ता है जब आपको Q3 के रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी जाने माने कंपनीज थे सभी के नंबर्स आपको आते हुए देखने को मिल रहे थे। अभी अगले हफ्ते से शायद आपको छोटे मोटे कंपनी के रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो भी बड़े कंपनीज थे उसके सभी के रिजल्ट्स आपको ये हफ्ते में एंड हो जाएंगे। सो वो भी हमको पॉइंट रखना पड़ेगा ये हफ्ते के लिए। उसके बाद इन्फ्लेशन, सो इन्फ्लेशन का डेटा अभी ये हफ्ते आने वाला है,
जैसे आरबीआई ने और एफओएमसी ने अपने पिछले मीटिंग में बताया था कि वो लोग अभी डेटा के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेंगे, इन्फ्लेशन को कट करना है, जो उनका यूएस के लिए 2% का इन्फ्लेशन और इंडियन के लिए 4% का इन्फ्लेशन लेके आना उनके लिए बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट बन चुका है, और वो लोग ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि उसको नीचे लेके आना उतना आसान भी नहीं है, जो अभी जितना टाइम जो लोग जितना तेज़ी से इन्फ्लेशन कट हो रहा था उतना तेज़ी से अभी और आगे जाने वाला नहीं है। सो उनका जो एक्सपेक्टेशन वहाँ पर जाने के लिए बहुत ही टाइम लगने वाला है। सो हम लोग अभी हर मंथ में डेटा देखेंगे करके दोनों कंट्री के सेंट्रल बैंक्स ने सेम ही स्टेटमेंट देता हुआ देखने को मिला है। सो जब तक यूएस रेट कट नहीं करेगा इंडियन मार्केट भी करने वाला नहीं है। सो हमको उनका सबसे पहले एक्शन उन्हीं का हमको देखने को मिलेगा। सो उन्होंने सेम ही कहा है, सो क्योंकि 2% लाने में बहुत मुश्किल है, सो हम लोग डेटा को देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे कल आपको इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 फरवरी को आपको देखने को मिलेगी शाम को 5:30 बजे को। सो फोरकास्ट है 5.09% का। सो देखना पड़ेगा कितना आ सकता है। सो पिछली बार आपको 5.69% आया था, सो अभी इससे कम आ गया तो अच्छी बात है, बाज़ार इसको बहुत ही पॉजिटिव ले लेगा। अगर इससे फिर से ऊपर गया तो बाज़ार थोड़ा आपको नर्वस होता हुआ देखने को मिलेगा और आपको थोड़ा प्रेशर क्रिएट करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि आरबीआई ने ऑलरेडी बोला है अगर डेटा अच्छा रहेगा हम लोग जल्दी रेट कट करना शुरू करेंगे, अगर डेटा ऐसा ही प्रेशर वाला रहेगा तो हम लोग उसको पोस्टपोन करेंगे करके सेंट्रल बैंक ने बताया। सो हमको कल इसके ऊपर भी कड़ी नज़र रखनी होगी। उसके बाद आपको कल अमेरिका का भी आपको सीपीआई डेटा देखने को मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं 13 फरवरी को आपको इसके भी नंबर्स आ सकते हैं। सो इनका फोरकास्ट है अराउंड 2.9%, अगर 2.9 या उससे नीचे आया तो अच्छा है, अगर इससे ऊपर चला गया तो मार्केट इसको फिर से नेगेटिव कंसिडर कर सकता है। उसके बाद आईपीओ, सो कल भी मतलब ये हफ्ते में भी आपको बहुत सारे आईपीओ लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं जो हफ्ता शुरू होता है जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ये हफ्ता चलने वाला है। सो ये पूरे हफ्ते में आपको कुछ कंपनीज लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कल आपको एक कंपनी लिस्ट होगी जो कि अपिजय सुरेंद्रा पार्क आईपीओ, ये आपको मेन बोर्ड आईपीओ है जैसे मैंने बताया था, ये आपको कल लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्टिंग 12 तारीख को है। अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देख सकते हैं अराउंड 24% का चल रहा है। सो कल जब ये लिस्ट होगा ऑलमोस्ट आपको इसी प्राइस के आसपास आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। बाद में आपको 14 तारीख को 3 कंपनी लिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद 16 तारीख को है, और उसके बाद आपको 20 फरवरी को देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा आपको ग्रे मार्केट देख सकते हैं तो आप विबोर स्टील ट्यूब्स जो कि आपको 20 तारीख को लिस्ट होने वाला है, इसका आईपीओ अभी भी ओपन नहीं हुआ, ये आपको 13 तारीख को ओपन होकर 15 को क्लोज हो जाएगा। सो उसका आपको ऑलमोस्ट 86% का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। सो ये भी हम कल ऑब्जर्व करेंगे कि कल इसका लिस्टिंग कितने प्राइस पर होता है। उसके बाद केपी एनर्जी लिमिटेड, सो इस कंपनी ने बताया था अराउंड आप देख सकते हैं जनवरी के 16 तारीख को कुछ बताया था इन्होंने, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट है, सो कि ये लोग अभी बोनस इशू करने वाले हैं। सो कल इसका बोनस का रिकॉर्ड डेट है, यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी हैज़ फिक्स्ड मंडे 12 फरवरी 2024 एज रिकॉर्ड डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स एंटाइटल्ड फॉर इश्यूएंस ऑफ बोनस इक्विटी शेयर्स। जो बोनस कितना मिलना है उनको मिलेगा 2 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 1 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, मतलब एक के बदले 2 आपको इक्विटी शेयर एज अ बोनस मिलता हुआ देखने को मिल जाएगा, और ईच सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। सो अभी फिर से शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए जाएगा, लेकिन कल आपका रिकॉर्ड डेट है। सो अगर किसी ने अगर इसके शेयर्स बाई किए हैं तो कल लास्ट डेट है, तो उसके बाद अगर 13 फरवरी को ले लेंगे तो आपको इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो जाओगे। लेकिन ओवरऑल कंपनी कैसी है अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ही रिस्की कंपनी है और बहुत ही छोटी कंपनी, आप देख सकते हैं 2512 करोड़ का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। कभी भी एक गाया कंपनी मतलब इसमें आपको एक्सट्रीम वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है ये। अगर आप इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आप देख सकते हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं कैसे एक ही रेंज में था, आप भी जाके अपना ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। सो अगर आप मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो भी आपको सिमिलरली देखने को मिलेगा। सो
रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में नए होते हैं उनके लिए ये बहुत ही रिस्की कंपनी है, ऐसे कंपनी से छोटे इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर्स दूर रहेंगे तो अच्छा है। आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन से आपको अंदाज़ा आ जाता है कि ये कंपनी में आपको जाना है कि नहीं जाना है। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देना हूँ, बाई करना सेल करना वो आपकी खुद की डिसीजन होगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स यहाँ पर, सो 2012 में अराउंड प्रॉफिट देख सकते हैं 0, 0, 0, उसके बाद 15 में 3 करोड़, 16 में 5 करोड़, 17 करोड़, 2 करोड़, 19 करोड़, 1 करोड़, 7, 21 करोड़, 44 करोड़, 51 करोड़। अभी एक दो तीन साल से आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी अगर एक ऑर्डर में अगर ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉफिट्स इस कंपनी के ज़ोरदार गिरेंगे और शेयर्स भी आपको वैसे ही गिरता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यही प्रॉब्लम होता है छोटी कंपनी में जाने का। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं 68% से अभी 44% होता हुआ देखने को मिल रहा है। FIs 0.26% है, DS तो नहीं है, और पब्लिक आप देख सकते हैं 54% का। सो ये ज़्यादातर स्टॉक आपको ट्रेडर के हाथ में ही जाता हुआ देखने को, सॉरी ऑपरेटर के हाथ में जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। सो ऐसे कंपनी में अगर आप रहोगे तो बहुत ही रिस्क आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सो ये एक डिफेंस कंपनी है, तो इसके लिए एक अभी खुशखबरी आता हुआ देखने को मिल रहा है। सो ये न्यूज़ के द्वारा आई है, मनी कंट्रोल ने कवर किया था ये न्यूज़ की इंडियन एयरफोर्स इंक कॉन्ट्रैक्ट विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर मॉडर्न कम्युनिकेशन सेट्स। वो क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, द इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर डिजाइन रेडियो, मतलब SDR है ये टेक्नोलॉजी, अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियन एयरफोर्स को देने वाला है फॉर कम्युनिकेशन नेटवर्क। सो ये अच्छी खासी बात आपको देखने को मिल रही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छा खासा ऑर्डर्स उनके हमारे जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है, मतलब आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, सभी से इनको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। सो जैसे आत्मनिर्भर भारत हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया था, सो ऐसे इसीलिए हमारे जो भी लोकल कंपनीज है और डिफेंस में स्पेशली उनको अच्छा खासा ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जी एंटरटेनमेंट, सो ये तो अभी बहुत ही न्यूज़ बेस्ड स्टॉक बन चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 5.95% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही थी। अगर आप इसके एक महीने के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सो बहुत ही गिरावट आपको देखने को मिल रही है अराउंड 18% की। 6 महीने की चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 25% की कैपिटल उठ चुका है। सो अभी ये सिर्फ न्यूज़ बेस्ड स्टॉक बन चुका है, अभी इनका तो सब NCLT के हाथ में, जो NCLT क्या डिसाइड करेगा दोनों के बीच में और वो क्या ऑर्डर देगा, अगर वो ऑर्डर देगा तो उसको फिर से सोनी मतलब क्रॉस क्वेश्चन कर सकते, मतलब वो लोग फिर से उसको ये करेंगे, एस्केलेट करेंगे कि हमको इनके साथ नहीं जाना है। तो ये ऑलमोस्ट अभी कोर्ट केस के बीच में स्टॉक अटका हुआ है। सो रिटेल इन्वेस्टर्स और जो भी कोई छोटे इन्वेस्टर्स हैं तो इस कंपनी से दूर नहीं रहें, आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप इसमें जाओगे तो आप फंस जाओगे, आपको नहीं पता नहीं चलेगा कब लोअर सर्किट पड़ेगा और आपको एग्जिट होने का भी मौका नहीं मिलेगा। सो इसलिए अच्छी बात है आप इस स्टॉक से दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सीखना है तो आप चाहे तो इसमें एक स्टॉक लेकर आप देख सकते हैं, क्योंकि एक स्टॉक का भी देख सकते हैं 200 रुपया है। सो आप देख सकते हैं सर्किट आया तो मार्केट में आप कैसे रिएक्ट कर सकते, मतलब वो सिचुएशन आपको पता चल जाएगा कि ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते, आप ट्राई कर सकते हैं सर्किट पर, जब सर्किट आता है तो आप सेल करने की कोशिश कीजिए, आपका स्टॉक सेल नहीं होगा, वो बहुत ही नीचे जाकर शायद 150-140 वैसे जाने के बाद आपको सेलिंग मिल जाएगी, तब तक आपका ऑलमोस्ट कैपिटल बहुत ही उड़ चुका होगा। सो सिर्फ एजुकेशन के लिए मैं बताया था कि आप चाहे तो इसमें एक स्टॉक लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। सो मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे न्यूज़ बेस्ड स्टॉक से दूर रहिए, मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, सो उनमें आप जाके स्टडी कीजिए और उनमें आप अपने एडवाइजर से डिसाइड करके इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।